पाचन तंत्र कैसे मजबूत करें, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ कैसे मजबूत करें, उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अकोला में। देखिए, पाचन तंत्र अच्छा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा फाइबर का जो इंटेक है, फाइबर कंटेंट, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 25 से 40 ग्राम तक यदि हमारा फाइबर कंटेंट रहता है तो उससे पाचन अच्छा हो जाता है। उसका इफेक्ट जो है वो हार्ट के ऊपर अच्छा होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल कम करता है, उसका फायदा हार्ट को होता है। और इसलिए फाइबर होना चाहिए, उसमें बल्कि स्टूल्स आते हैं और उससे पेट एकदम साफ हो जाता है। तो फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है पाचन तंत्र के लिए। नंबर दो, च्युइंगम जब हम खाते हैं, च्युइंगम, तो च्युइंगम में काफ़ी सारा सलाइवा होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप च्युइंगम खा के देखिएगा। उसमें क्या होता है कि च्युइंगम जब आप चुभाते रहते हैं तो उसमें काफ़ी सारा सलाइवा तैयार होता है, और सलाइवा होता है अल्कलाइन, पेट में ज़्यादा एसिड तैयार होता है, उसको वो न्यूट्रलाइज करेंगे और उससे फ़ायदा होगा, एसिडिटी काफ़ी कम हो सकती है। फिर तीसरा जो है वो है कि अपना बेली फैट जो है, पेट के ऊपर का फैट, वो कम करना जरूरी है। बेली फैट यदि ज़्यादा है तो पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आता है, उसमें एसिडिटी बढ़ती है, हार्ट बर्न होता है। तो बेली फैट कम करना जरूरी है। उसके लिए फिर आप एक्सरसाइज अच्छे करते हो, पेट का वजन, पेट का फैट कम करने की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस है, वो एक्सरसाइज करते हो तो उससे बेली फैट कम हो जाएगा और आपका एसिडिटी और हार्ट बर्न में बहुत फ़ायदा होगा। फिर एक ही बार बहुत ज़्यादा खाना, इसके बदले थोड़ा थोड़ा खाना, बहुत बार खाना, मतलब 3-4 बार आप दिन भर में खाते हो तो पाचन में अच्छा रहता है। बदले की मतलब इसके बदले भाई एक ही टाइम खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाना ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा खाना 4 बार खाते हैं तो अच्छा रहता है। और जितना भी भूख है एक समय की, वो भूख में 80% खाना खाना है और 20% पानी पीना है, ताकि पेट भर जाएगा और हरदम अपना पाचन जो है वो अच्छा रहेगा। फिर दूसरा जो है कि वो फ्लूइड्स हम कितना लेते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आप जितना पानी पीते हैं उतना अच्छा है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जाना चाहिए, या वाटरी या जूसी जो ड्रिंक्स है वो आपने लेना चाहिए। फल जो है वो फल का जूस आप निकालते हो और वो भी लिए तो चलता है। 2.5 से 3 लीटर यदि आप लेते हैं पानी तो उसमें बहुत अच्छा फायदा दिखाई देता है। फिर एक्सरसाइज, आप 30 से 40 मिनट रोज एक्सरसाइज करते हो, ये सब हाँपने लगना चाहिए, इतना एक्सरसाइज, इतना जोर का एक्सरसाइज आप करते हैं तो उससे पाचन में बहुत फायदा होता है। फिर प्रोबायोटिक्स, अब प्रोबायोटिक्स जो है वो फूड बैक्टीरिया होते हैं और वो ज़्यादा दही में होते हैं, तो दही वाले जैसे प्रोडक्ट है वो आप यदि खाते हैं तो उसमें भी पाचन में बहुत फायदा होता है। फिर राजमा, बीन्स, इसमें क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा गैस तैयार होता है। और वैसे ही सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो आप पीते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा गैस तैयार हो जाता है, तो ये हमने अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो जंक फूड है ये भी हम लेते थे, इससे भी बहुत ज़्यादा एसिड तैयार होता है। कॉफ़ी में ज़्यादा, कॉफ़ी पीने के बाद में टोमेटो, जिससे भी बहुत ज़्यादा एसिड तैयार होता है। वैसे टोबैको कोई भी मात्रा में, मतलब टोबैको खाते हैं तो भी, या सिगरेट में भी जाता है टोबैको, तो उसमें क्या होता है, निकोटीन, और निकोटीन जो है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन के ऊपर असर करता है और काफ़ी एसिडिटी तैयार करता है और डाइजेशन खराब कर देता है। वैसे अल्कोहल का है, अल्कोहल बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। वैसे बहुत कम लोग हैं कि भाई एक पेग लेंगे और वो ज़िंदगी भर एक ही पेग लेते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। जो लोग हैं वो एक पेग के बाद में 10 पेग कब लेना चालू करते हैं मालूम नहीं है। इसलिए अल्कोहल अवॉइड ही करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लेते ही है और आपको हैबिट ही है तो एक पेग आपने लेना चाहिए, उसके ऊपर नहीं लेना चाहिए। फिर आपका सॉल्ट जो है, नमक, वो भी लिमिटेड होना चाहिए। अब ज़्यादा सॉल्ट यदि खाते हैं तो क्या होता है कि वो पानी अंदर रिटेन करता है, और पानी रिटेन करता है तो मोटापा आता है, पैरों के ऊपर सूजन आती है, वजन बढ़ता है। तो इसलिए आप जितना सॉल्ट कम खाते हो उतना अच्छा है। और आपके किचन में क्लीनलीनेस होना जरूरी है। देखो, आप मीट जैसे प्रोडक्ट है, मीट, मांस या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है, ऐसे खुले रखते हैं या कहीं गिरे हुए हैं, अपना किचन टेबल जो है वो ठीक नहीं है, खाने का जो डाइनिंग टेबल है वो ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर फंगस आने के चांसेस ज़्यादा है, बैक्टीरिया चढ़ने के चांसेस ज़्यादा है और आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स उससे तैयार हो जाएंगे। फिर कोई लोगों को मिल्क की एलर्जी, उन्हें मिल्क अवॉइड करना चाहिए। क्या है कि लैक्टोजन की यदि डिफिशियंसी है तो आपको मिल्क पचेगा नहीं, दूध पचेगा नहीं, तो लोगों ने बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और आपको जो 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 लगता है कि ये चीज़ें खाने से एलर्जी होती है तो वो नहीं खाना चाहिए।
अब ये सब करने के बावजूद भी आपको यदि एसिडिटी हो रही है, मतलब जलन बहुत हो रही है, ऐसा गले में आता है खाना या पानी गले में आता है, पेट फूल जाता है, काफ़ी सारे गैसेस तैयार हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द है, लैट्रिन साफ नहीं हो रही है, लैट्रिन ज़्यादा हो रही है, पेट फूल रहा है, उसके वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली, और काला स्टूल, यदि काले रंग का यदि स्टूल्स आता है, मतलब लैट्रिन, तो वो भी एक अच्छी निशानी नहीं है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, ये सब करने के बाद में भी है, तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स इन्वेस्टिगेट करके, हो सकता है कि वो आपका एंडोस्कोपीज करेगा, गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, वैसे यूएसजी एब्डोमेन सब करके हम देखेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और वो यदि प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डेफिनेटली हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और साइकोलॉजी में हम बोलते हैं कि भाई हिप्नोथेरेपी करो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन, प्राणायाम, सेल्फ विजुअलाइजेशन और सेल्फ रिलैक्सेशन, यदि करते तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। पर काफ़ी सारे पेशेंट जो है कि जो सेल्फ हिप्नोसिस से एकदम तंदुरुस्त और ठीक हो गए, उसके साथ साथ जो मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन से भी बहुत फ़ायदा होता है। वीडियो आपको काम का लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। 8 से 10% लोगों को ये प्रॉब्लम है, मतलब 100 में से 10% या 100 में से 10 लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनमें काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।